टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है और आने वाले कुछ सालों में और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ हमारी लाइफ ईजी हुई है बल्कि कम टाइम में ज़्यादा काम करने के काबिल भी हम लोग बन चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी ने लोगों की लाइफ स्तर को काफ़ी हद तक बदल दिया है और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा डेवलपमेंट से पूरी दुनिया को बदल देगी और इसके अनगिनत फायदे को देखकर अब लोग इसके आदी हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही इंडिया की हाई टेक्नोलॉजी स्पीड वाली ट्रेन के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगी। तो हेलो गाइज, वेलकम टू इंडियन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रेन और ये जल्द ही बनकर तैयार होने वाली है। देश की सबसे मॉडर्न और स्पीड वाली ट्रेन जो कि दिल्ली से मेरठ तक बनाई जा रही है, इसी साल 2023 तक पूरा करके लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि इसका ट्रायल रन इसी साल के एंड तक शुरू हो जाएगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। ऐसे में अब इसके हाईटेक कोच की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के MD विनय कुमार सिंह ने बताया कि तैयारी हमने पूरी कर ली है, जल्द ही ये कोच ट्रेन के रूप में लोगों के सामने होगी। हमारा काम तेज गति से चल रहा है, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द रैपिड रेल की सवारी आम लोग कर पाए और वो भी बेहतर सुविधा के साथ। भारत के पहले RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांसिस्ट सिस्टम कॉरिडोर का पहला ट्रांसिस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये ट्रेन पूरी मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही है। यह हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस RRTS ट्रेन भारत के गुजरात के सवाई में स्थित एलस्ट्रॉम के कारखानों में बनाई जा रही है। एलस्ट्रॉम द्वारा ट्रेनों को NCRTC को सौंपने के बाद इसे बड़े से ट्रेलरों पर दुहाई डिपो में ले जाया जाएगा। गाजियाबाद में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर में पहुंचाया जाएगा। इस डिपो में इन ट्रेनों की कंट्रोल और रखरखाव की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। भारत की पहली RRTS ट्रेनों के इंटीरियर के साथ इसकी कंट्रोल सेंटर रूम का हाल ही में 16 मार्च 2020 को दुहाई डिपो गाजियाबाद में टेस्टिंग किया गया था। 180 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड, 160 किलोमीटर पर आवर की ऑप्शनल स्पीड और 100 किलोमीटर घंटे की एवरेज स्पीड के साथ ये RRTS ट्रेन भारत में चलने वाली अब तक की सबसे तेज ट्रेन है। इन हाई टेक्नोलॉजी RRTS ट्रेनों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो इस ट्रेन को बाकी ट्रेन से काफी अलग बनाती है। ये ना सिर्फ स्पीड चलेगी बल्कि इसका लुक और डिजाइन भी बाकी ट्रेनों से काफी अलग होगा। ये अंदर से बिल्कुल किसी मेट्रो की तरह लगेगा। इसमें बैठने के लिए, खड़े होने के लिए चौड़े स्थान, लगेज रैक, CCTV कैमरा, लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनेमिक रूट मैप, ऑटो कंट्रोल, एम्बेडेड लाइटिंग कंट्रोल, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन सिस्टम और बाकी सुविधाएं भी होगी। RRTS ट्रेनों में स्टैंडर्ड के साथ साथ महिला यात्रियों के लिए आरक्षित एक कोच और प्रीमियम वर्ग का एक अलग कोच होगा। गुजरात के सेवई में स्थित एलस्ट्रॉम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से चल रही है। 2023 तक इस ट्रेन को चलाने का टारगेट बनाया गया है। इस ट्रेन के लॉन्च होने के बाद इंडिया की रफ्तार को और तेजी मिलने की उम्मीद है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आपको जानकारी कैसी लगी ये मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।